आज मैं आपको सूजी का एक अलग अंदाज में नए तरीके से ऐसा नाश्ता बना के दिखाने वाला हूँ जो कि बनाने और खाने में इतना आसान टेस्टी है कि एक बार बनाओगे तो हमेशा बनाना पसंद करोगे। इतना टेस्टी जो बनता है ये। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमें सबसे पहले मिक्सी के जार में बारीक या मोटी आपके पास जो भी हो वो 1 कप सूजी डालिए। फिर आधा कप दही डालकर तीखा कम या ज़्यादा कैसे खाना पसंद करते हो उस हिसाब से हरी मिर्ची और 4 से 5 लहसुन आधा इंच अदरक डालकर सूजी जितना ही यानी कि 1 कप पानी डाल के पीस लेना है। अभी इसे पीस कर सीधा एक मिक्सिंग बाउल में निकाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता दानेदार बने इसीलिए इसमें डालेंगे लगभग 1/4 कप बारीक वाली सूजी और साथ ही साथ स्वादानुसार नमक डाल के बैटर में सूजी और नमक को अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बैटर अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि बैटर एकदम बढ़िया सेट हुआ है। तो अभी इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 टमाटर, बारीक कटी हुई 1 शिमला मिर्ची और बारीक कटा हुआ 1 छोटा प्याज। अब थोड़ा सा हरा धनिया डालकर आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और बाद में लगभग 1 चम्मच तेल डाल के इन सभी को आपस में अच्छी तरह मिलाकर लेना है। हाँ, इसमें जो हमने वेजिटेबल यूज़ किए हैं उसमें से आप आपके पसंद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हो। तो ऐसे मिलाने के बाद यानी कि जब आपको नाश्ता बनाना हो तब 2 चुटकी बेकिंग सोडा या यूनो डालिए। हाँ, अगर आप यूनो इस्तेमाल कर रहे हो तो आधा छोटा चम्मच यूनो डालना है। तो यहाँ पर हमारा ये परफेक्ट मिश्रण बन के तैयार है। अभी इसे उठा के चलते हैं नाश्ता बनाने को। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी को गर्म करके इस तरह के बर्तन को तेल लगा के रखा है। आप चाहे तो ग्लास में बना सकते हो। तो आपने ग्लास या जो भी बर्तन लिया हो उसे 60% बैटर से भर दीजिए क्योंकि इसे फूलने के लिए थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो फ्लेम को मीडियम रख कर इसे कवर करके 8 से 10 मिनट तक स्टीम देना है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि यह एकदम बढ़िया फूल चुका है। अभी इन्हें निकाल के ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद मैं आपको डिमोल्ड करके दिखाता हूँ। तो निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस किनारों से लूज करके थोड़ा सा टैप करोगे तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, बहुत ही आसानी से निकल चुका है। हाँ, आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में काट कर किसी मनपसंद चटनी के साथ भी खाओगे तो भी चलेगा। हाँ, बिना चटनी के खाना चाहते हो तो आगे की प्रोसेस करें। आप देख सकते हो कि ये अंदर से भी बढ़िया पक चुका है। अभी इसे और चटपटा बनाने के लिए किसी पैन में 1 चम्मच तेल को गर्म करके आधा छोटा चम्मच राई, 1 चुटकी हींग और आधा छोटा चम्मच जीरा डालकर 2 चुटकी लाल मिर्ची पाउडर और आधा छोटा चम्मच सांभर मसाला डालकर थोड़ा चम्मच चला के मसाले जले ना इसीलिए 2 से 3 चम्मच पानी डालिए। फिर नाश्ते को पैन में रख कर घुमाते हुए कुछ सेकंड तक सेक लेना है ताकि नाश्ते के ऊपर चारों ओर से तड़का अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बन के तैयार है। अभी इसे निकल के आपको काट कर दिखाता हूँ यानी कि लगभग आधा आधा इंच के पीसेस में काट कर किसी मनपसंद चटनी के साथ या फिर बिना किसी चटनी के भी खाओगे तो टेस्टी ही लगेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।